हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 14 दिसंबर, सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं निकल रहा हूँ फिर से अपने कॉलेज चेन्नई की ओर। और काफ़ी लंबा गैप हो गया, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने मैं यहाँ रहा मेरे कुछ कॉलेज के प्रोजेक्ट वर्क को लेके और दोस्त की शादी थी उसको लेके। एंड आज मैं निकल रहा हूँ, सो अभी मुझे यहाँ से बागडोगरा निकलना पड़ेगा। और लास्ट टाइम मैं जब ट्रैवल किया था, मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस मैंने आपसे साथ शेयर किया था एयर एशिया में, और उस समय मैं मतलब मुझे इतना नहीं मालूम था तो मैं ज़्यादा कुछ चीज़ आपको दिखा नहीं पाया। तो इस ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगा आपको हर एक चीज़ बताऊँ और दिखाऊँ। तो इस बार मैं स्पाइस जेट से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो पहले मुझे यहाँ से कोलकाता जाना है, फिर कोलकाता में 8 घंटे का ले ओवर है, उसके बाद चेन्नई में रात को पहुँचूंगा। तो काफ़ी इन्जॉय होने वाला है आज के ब्लॉग में, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। फिलहाल घर में हूँ, यहाँ से निकलते हैं, मुझे बागडोगरा जाना होगा, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, सो आई हैव टाइम। तो चलते हैं और आज की ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ठंड बहुत है किशनगंज बिहार में, और चेन्नई में बहुत कम ठंड है। लाइक अभी अगर यहाँ का टेम्परेचर 18 डिग्री है तो वहाँ पे 27 डिग्री है, तो मैं ठंड वाले कोई भी कपड़ा लेके नहीं जा रहा हूँ और पता नहीं क्या होने वाला है। अब कोलकाता में भी उतनी ठंड होती नहीं है तो आई डोंट नो। वैसे सुबह सुबह इतने मेरे घर में नाश्ता बनता नहीं है, तो मम्मी बोली खाली पेट मत जाओ, तो चाय बन रहा है, चाय पीते हैं फिर निकलेंगे। और मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लास्ट टाइम आपने देखा था, और कल उनको पता चला कि मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम आने वाला था, वो कल ही रो रही थी। तो मैं बोला इस टाइम मत रोना मेरे ब्लॉग में। मम्मी के हाथ की चाय अब ऑलमोस्ट काफ़ी दिन बाद नसीब होगी, तो अच्छे से पी लेते हैं। एंड टाइम है मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 6:50 हो रहे हैं, तो 7:30 बजे तक मुझे बस मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि रोड थोड़ी ख़राब है, जाम वाम होती है, तो जल्दी बस मिल जाएगा तो मैं थोड़ा टाइम अपना एयरपोर्ट में ही बिता लूँगा। फिर चलो मैं निकल रहा हूँ, ठीक। फिर रोने वाला है, विचार नहीं करो, रोगे नहीं, हम जा रहे, फिर जल्दी आएंगे, आराम से आएंगे, रोगे नहीं, स्माइल करो, रोगे नहीं, फिर रोगे नहीं, गला मिलो, रोगे नहीं। ये हर बार कह इनका, जब भी मैं जाता हूँ रोना स्टार्ट कर देती है, अभी रोना नहीं, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। निकलता हूँ, वेल निकल चुकी है मेरी सवारी, अभी मुझे जाना है बस स्टैंड बागडोगरा के लिए बस लेने, तो चलते हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए मुझे बागडोगरा पहुंचने में एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट एग्जैक्टली अंदर गया नहीं हूँ, और मेरा फ्लाइट 40 मिनट के लिए डिले हो गया है। खैर मेरे पास टाइम बहुत है, अभी ऑलमोस्ट 12:35 में अब मेरा फ्लाइट है, 11:55 को था, तो अब चलते हैं एयरपोर्ट, अंदर में बैठेंगे, वहीं पर रहेंगे। मेरा कोई दोस्त तो आ रहा नहीं है, मैंने अपने सिलीगुड़ी के दोस्त से बात की थी तो वो बोला कि पहले बताना चाहिए था, अब तो उसके पास भी टाइम नहीं है। चलते हैं अंदर एंड वहीं बैठ के रिलैक्स करते हैं। अब मैं तो सो गया था बस में। मेरे से एक गलती हो गई, हड़बड़ी में मैं चेकिंग कर लिया, मैंने पानी लाना भूल गया, प्यास लग रहा, देखो मेरे पास स्टिंग है, लेकिन पानी इज इम्पोर्टेंट, एयरपोर्ट में पानी बहुत महंगा मिलता है, आधे लीटर का 60 रुपये लेते हैं ये लोग, बाहर से लाता तो ज़्यादा एफिशिएंट होता, लेकिन आप बाहर जा नहीं सकते, वो लोग अलाउ नहीं कर रहे, अब ऊपर ही बैठना होगा। एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ दिखाने लायक है नहीं, बहुत छोटा एयरपोर्ट है ये, और यहाँ लाउंज वगैरह भी नहीं है। पेट पूजा अच्छे से हो गया मेरा, अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लाइक पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज है सब मुझे सबमिट करना होगा, तो एक बार ये कर लेते हैं फिर आराम से बैठेंगे। वैसे अभी भी बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे बचे हैं मेरे पास, तो ये काम भी निपटा ही लेते हैं। अभी हमें सारा सामान निकालना होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसको सिक्योरिटी चेकिंग में दिखाना होगा। तो बेल्ट खुल गया तो मेरा पैंट लूज हो गया थोड़ा।
चेक इन, स्टिल आई हैव टाइम, तो हम बैठ के वेट कर रहे हैं अपने फ्लाइट का। ऑलमोस्ट 40-50 मिनट डिले है मेरा फ्लाइट, बस बैठे रहो और मैं वेब सीरीज देखूँगा। बहुत छोटा सा है, मतलब लाइक एक पर्सन ही यहाँ पे खड़े हो सकते हैं जो गंडा कर सकते हैं। वेल ऑलमोस्ट कोलकाता पहुँच चुके हैं, अब लैंड करेंगे तो चलते हैं अपनी सीट पे। फ्लाइट थोड़ा हिल हो रहा है एंड आज पहली बार मतलब फर्स्ट सीट पे मैं बैठा हूँ जिसका प्लेन अब मिल रहा है। अब चलते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं और प्लेन में बैठते हैं, एयरपोर्ट पर बात करते हैं। फाइनली वी लैंडेड इन कोलकाता। अब पता नहीं मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है, सो पहले एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। फिलहाल मैं हूँ कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर एंड काफ़ी सुंदर है, फर्स्ट टाइम है मेरा। देखते हैं, घूमते हैं, कैसा रहा आपका फ्लाइट? है कैसा था? आई मेट दिस गाय फ्लाइट इज फ्रॉम बाइजू ना। ये एक्चुअली मेरा ले ओवर है, तो आई नीड टू आस्क एनीवन कि मेरे को मेरा बैग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या बैग चेन्नई में मिलेगा एंड मैं बाहर जा सकता हूँ कि नहीं। पहले एयरपोर्ट ढूंढता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आई गेस बड़ा होगा। बैंगलोर तो काफ़ी अच्छा था लेकिन मैं घूमा नहीं था बैंगलोर एयरपोर्ट। एंड दिस इज़ वेरी कूल, पूरा पेड़ पौधे रोप के रखे गए हैं, नाइस। आई हैव नो आइडिया अभी मेरे को जाना कहाँ है, आई नीड टू आस्क समवन लाइक मैं बाहर जा भी सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आई गेस 8 घंटे का ले ओवर है। 50 मिनट लेट हो गए थे तो सारे मतलब 1-7 घंटे हो गए। रात का मेरा फ्लाइट है चेन्नई के लिए, तो देखते हैं कहाँ बैठते हैं, फ़ोन चार्ज भी लगाएंगे एंड मैं वेब सीरीज देख रहा था लूडो, तो उसको कम्प्लीट करते हैं एंड देन आगे का प्लान करते हैं, कुछ खाना पीना खाएंगे एंड तो सो जाऊँगा मैं। वेल दिस एयरपोर्ट इज़ ह्यूज एंड मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लाइक मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट है बट आई नीड टू आस्क समथिंग विद स्पाइसजेट टीम, सो मुझे मिल रहा नहीं है, इतना बड़ा मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ कहाँ जाऊँ। काफ़ी खाली खाली है, आई डोंट नो वाई, ड्यू टू सम कोविड रीजन, बट पूरा एयरपोर्ट खाली है, लग रहा है मैं अकेले घूम रहा हूँ। सो पहले एक बार अच्छे से कन्फर्मेशन ले लेते हैं, फिर कहीं बैठते हैं अच्छे से, फिर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा स्पाइसजेट का। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर, काफ़ी बड़ा है और थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ मैं बार बार, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं बाहर जाऊँगा और बाहर थोड़ा घूम लूँ। लाइक मेरे पास बहुत टाइम है, 9:25 में मेरा फ्लाइट है और बोर्डिंग टाइम 8:55 का है गेस, तो मैं सोचा बाहर घूम लूँ, बट यहाँ लॉन्च सर्विस है और वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, आई हैव फ्री एक्सेस। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यहीं पर इंजॉय कर लो और यहाँ आराम से रेस्ट कर सकते हो, तो मैं डिसाइड किया कि मैं लॉन्च को ही एक्सेस करूँ। तो मैं फिर से अंदर जा रहा हूँ और फिर अंदर जाके देखते क्या नज़ारा है, बाकी मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है बट मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ कोलकाता एयरपोर्ट एंड चेन्नई भी जाऊँगा तो फर्स्ट टाइम ही जाऊँगा वहाँ के एयरपोर्ट को, वहाँ ऑलमोस्ट 11:30 बजे पहुँचूँगा,
देखते क्या होता है। अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ मैं अंदर, फिर से चेक इन कर रहा हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। सो मैंने फिर से अपना चेक इन कर लिया है, अब मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। नाउ आई नीड टू फाइंड लाउंज, वहीं पर रेस्ट करेंगे। तो मुझे लोकेशन मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ लाउंज में, वहीं खाएंगे पिएंगे। आई होप मेरा कार्ड काम कर जाए, मेरे पास दो कार्ड है, दोनों में लाउंज एक्सेस है, तो इसका मजे उठाएंगे अगर हो गया तो। आई डोंट नो, मेरे पास आइडिया भी नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो लेट्स सी, चलते हैं और पहले लॉन्च को ढूंढते हैं। लकली आई गॉट द एक्सेस फॉर लॉन्च सर्विस मेरे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड एक्सेस नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। बट अब मैं आराम से यहाँ इंजॉय कर सकता हूँ, खा पी सकता हूँ एंड यहीं पर रेस्ट करूँगा। फिर जब मेरा फ्लाइट आएगा तो मैं फ्लाइट के लिए चला जाऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का लॉन्च का फैसिलिटी और क्या क्या मैं खाऊंगा सब दिखाऊंगा। फिलहाल मेरे को लग रही है बहुत भूख, तो पहले मैं कुछ खाता हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉन्च में क्या क्या मिल रहा है वो बताऊंगा। फिर से मेरा फ्लाइट आधे घंटे के लिए डिले हो गया है एंड राइट नाउ आई थिंक मैं 12 बजे या 12:30 बजे तक चेन्नई पहुंचूंगा। और मुझे नहीं पता कि वहां से मुझे कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिलेगा कि नहीं। इफ़ पॉसिबल मैं एयरपोर्ट में रुक जाऊंगा रात भर, फिर मॉर्निंग 4-5 बजे मैं निकल जाऊंगा कॉलेज के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स सी, अभी भी मैं लॉन्च में हूँ और लॉन्च का सर्विस काफ़ी अच्छा है, फूड इज़ वेरी गुड और अच्छे से खा लिया मैं, डिनर करके भी जाऊंगा मैं। तो मेरा क्रेडिट कार्ड काम नहीं किया बट डेबिट कार्ड काम किया HDFC का। सो आई एम एंजॉइंग इट एंड बैठ के मूवी देख रहा हूँ और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। चार्जर का सॉकेट बहुत लूज़ है, मैं जुगाड़ करके चार्ज कर रहा हूँ इसको। ये एक्चुअली लूज़ है ये सब, तो थोड़ा वेट डाला तो पहले। ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं और मुझे आधे घंटे के बाद फिर से चेक इन करना है, तो मैं सोचा डिनर कर लूँ। सो राइट नाउ आई एम हैविंग वेजिटेरियन फूड, थोड़ा कम ही खाऊँगा क्योंकि फिर पेट गुरगुर करेगा। तो मैं दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। सो डिनर में मैं मीठी पुलाव, दाल मखनी, 2 पनीर और 1 चिकन खा रहा हूँ। मतलब वेजिटेरियन ही हुआ, 1 चिकन बस ले लिया मैंने, तो बस इतना ही खाना है, फिर चेन्नई पहुँच के कुछ खाएंगे। लॉन्च का फूड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है और मज़ा आ रहा है खाने में। चल आप लॉन्च में सारी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सपेक्ट लीकर ये चार्जेबल है, बाकी सारा कुछ फ्री है। काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी में अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे आपको। डन विथ माई हल्का फुल्का डिनर, अब थोड़ा बोर हो रहा हूँ, मेरा फ्लाइट डिलेड है तो अभी तक मेरे को फ़्लाइट के लिए रवाना हो जाना था, लेकिन मैं आधे घंटे बाद जाऊँगा। ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, 9:30 बजे जाऊँगा, 10 बजे मेरी फ्लाइट है एंड लेट्स सी चेन्नई पहुँच के क्या सीन बनता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेंगे, लाइक कुछ गाड़ी वगैरह मिलेगा, मैं पूछ लूँगा वहाँ के लोगों से, अगर मुझे मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं सोचूंगा एयरपोर्ट में ही होल्ड करूँ कहीं पे, सो जाऊँ आराम से, देखते हैं क्या सीन होता है। ऑलमोस्ट 9:15 हो चुके हैं, लॉन्च में 4 घंटा का एक्सेस मिलता है, तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ। 24 नंबर गेट से मुझे एंटर करना है, तो मैं 24 नंबर गेट के बाहर ही हूँ, तो जब टाइम होगा तो मैं चला जाऊँगा। तो थोड़ा सा एयरपोर्ट इधर उधर घूमूंगा मैं और लाइक थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, उतना देर से बैठा ही था। और मैं सोच रहा हूँ कि चेन्नई पहुँच के अगर कुछ मुझे लाइक नहीं मिला ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो मैं चेन्नई के एयरपोर्ट में ही रुक जाऊँगा 2-4 घंटे, उसके बाद मॉर्निंग को निकलूँगा। चेकिंग टाइम स्टार्ट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ चेन्नई के लिए रवाना होने के लिए फ़्लाइट पकड़ने। फाइनली मेरी दूसरी फ्लाइट आ गई और मैं जा रहा हूँ चेन्नई की ओर। ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ से, सब कुछ सही रहा तो, आधा घंटा पहले से लेट है। 11:30 बजे तक पहुँचता तो मैं सोचता मैं कॉलेज चला जाऊँ, अब वहाँ पहुँच के डिसाइड करेंगे लाइक जाना है कि नहीं जाना है कॉलेज, वरना मैं एयरपोर्ट में ही रुकूँगा आज। दिस टाइम आई गॉट मिडिल सीट, आराम से बैठ गया हूँ, मस्त होके नेटफ्लिक्स खोलूँगा और चिल करूँगा क्योंकि रात हो गई है, तो मैं ट्राई करूँगा रात का नज़ारा देखने का खिड़की से।
फाइनली चेन्नई पहुंच चुका हूँ। सुबह के 12:34 हो रहे हैं अब मुझे बिल्कुल। हाँ जी, हाँ 3 नंबर। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अभी मुझे यहाँ से कॉलेज जाना है या यहीं पे स्टे करना है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मेरा एक्सपीरियंस स्पाइस जेट के साथ बहुत अच्छा रहा, लाइक लिटरली बहुत अच्छा रहा, और लॉन्च वाला पार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट था मेरे लिए। सो यस, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं जल्दी अपने अगले ब्लॉग में, और इस वाले ब्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही।